अरे कंटो पेर माइनस को बता दो, फ़ॉन्ट साइज बड़े कैसे करने हैं सारे लोग। और कंट्रोल माइनस करो तुम, बस बस ठीक है सब लोग। एल्स में नेक्स्ट लगा लो, अपन ने वेरीफाई करके चेक कर लिया ना, वेरीफाई हो गया, बंदे की आईडी उठ के आ गई। अब नेक्स्ट से क्या होगा, वापस से उसी राउट पे पहुंच जाएगा और डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। लगा लो सब नेक्स्ट। नहीं ठीक नहीं चल रहा, चलो सब लगा लिए नेक्स्ट ना। इसके बाद हमें ये टोकन को एक्सपायर भी तो करना पड़ेगा, जब हम लॉग आउट करें, लॉग आउट करने के बाद टोकन एक्सपायर हो जाए हेलो, हमें जो वाला काम करना पड़ेगा ना, लॉग आउट करने के बाद क्या करना है, टोकन को एक्सपायर करना है। उस पे आ जाओ, लॉग आउट वाले कोड पे आ जाओ, लॉग आउट वाले कोड पर फ्रंट कंट्रोलर के अंदर लॉग आउट पे चलो। चलो अब लॉग आउट पे आ जाओ, अब ट्राई के नीचे आ जाओ, ट्राई के नीचे ट्राई के नीचे आ जाओ। देखो res डॉट क्लियर कुकी, res डॉट क्लियर cl कुकी, सी कैपिटल आएगा कुकी का, सी कैपिटल, सी कैपिटल कुकी, फंक्शन का साइन, सिंगल कोट में टोकन, सिंगल कोट में टोकन, सेव करो है ना, इनको दिखा दो बाकी नोट कर लो। ये हम लॉग आउट को, जब लॉग आउट करेंगे, लॉग आउट करने के बाद हमें क्या करना होगा, टोकन को एक्सपायर करना पड़ेगा ना। तो लिया चलो, अब लॉग आउट करके देखो, अब लॉग आउट करो, अब लिखो स्लैश डैशबोर्ड, लिखो स्लैश डैशबोर्ड, लिखना यूआरएल में स्लैश डैशबोर्ड, देखो खुला है क्या, अब ऐसे लगाओ स्लैश डैशबोर्ड, एंटर दो, देखो कहीं खुला, अब सब देख लो और इंस्पेक्ट करो और टोकन देखो, टोकन दिखा रहा है उसमें कहीं,
अरे ब्राउजर में, चलो ब्राउजर पे स्पेक्ट एलिमेंट करो, हाँ उस पे आओ, एप्लीकेशंस पे क्लिक करो, हाँ और नीचे लोकल स्टोरेज लिखा है वो नीचे, कुकीज़ में आओ, कुकीज़ पे क्लिक करो नीचे, नीचे कुकीज़ पे, हाँ इस पे एरो पे क्लिक करो और नीचे क्लिक करो नीचे, देखो कहीं दिख रहा है टोकन यहाँ पे, हट गया। अब लॉगिन करना, लॉगिन करो फिर देखो टोकन आ जाएगा इसमें, लॉगिन करना, हाँ लॉगिन करो देखो टोकन आ जाएगा इसमें, देखो अब टोकन फिर चेक करो, टोकन चेक करो कुकीज में आया कि नहीं आया, एक्सपेक्ट करो, देखो टोकन आ गया, देखो ये वो आ गया, देखो टोकन दिख रहा है ना, लॉग आउट कर दो मैं, टोकन हट जाएगा, देखो हट गया टोकन, अब इनको दिखा दो, ये लोग भी चेक कर लें इससे, समझ आ गया टोकन कैसे जा रहा है कैसे आ रहा है। अब देखो हमें इसके बाद क्या करना होगा, इतना सबने कर लिया, इसके बाद हमें क्या करना होता है कि लॉगिन करने के बाद हमने जो भी पेज ओपन करे है ना, वो हमें सारे पेजों को सिक्योर करना पड़ेगा, अबाउट वाला पेज था, कॉन्टेक्ट वाला था, है ना, ये सारे पेज हमें सिक्योर करने पड़ेंगे। अब वेब वाली फाइल पे आओ, वेब वाली फाइल पे चलना और नीचे आओ, हाँ अब देखो लॉगिन करने के बाद हमने जो पेज खोले थे, कौन कौन से पेज खोले थे, अबाउट वाला चेक ऑथ लगा दो, अबाउट वाले भी लगा दो, चेक ऑथ लगा दो अबाउट वाले पे भी, हाँ चेक ऑथ, ये चेक ऑथ है ना, ये कॉपी करो पहले, पहले कॉपी तो करो, ये अबाउट वाले भी लगाओ, कॉन्टैक्ट वाले भी लगाओ, ओके जी पेज सब कब खुलते हैं, लॉगिन होने के बाद खुलते हैं, मैं लगा पहले अबाउट वाले पे, अबाउट वाले भी लगाओ, यूजर इंसर्ट पे लगा लो, वेरीफाई है ना, यूजर इंसर्ट पे, यूजर इंसर्ट में लगाओ, इंसर्ट लगानी जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं नहीं इस पर लगेगी, इस पर नहीं, इस पर नहीं, इनमें नहीं, इनमें नहीं, और बता रहा हूँ, अब इन पर लगाओ, कोर्स पे लगाओ, कोर्स इंसर्ट, कोर्स डिस्प्ले, इन सब पे लगा लो, कोर्स में सब पे लगा डालो, कोर्स में सब पे लगा डालो, हाँ कोर्स में सब पे लगा दो, हाँ और ऊपर चलना, ठीक है सही है, अब इनको दिखा दो, ओके जी सब लॉगिन के बाद ओपन होती है ना सारे पेज, तो हमें सारे पेज को क्या करना पड़ेगा, सिक्योर करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, वेबसाइट पे आ जाओ, वेबसाइट पे आ जाओ, लॉगिन करो, लॉगिन करो, लॉगिन। अब देखो हमें क्या करना है, लॉगिन करने के बाद देखो यहाँ पे नाम शो नहीं हो रहा, लॉगिन तो हो गया, नाम नहीं आना पड़ रहा ना, किस बंदे का नाम है यहाँ पे, नाम कहीं आ रहा है उस बंदे का, मैं चाहता हूँ लॉगिन होने के बाद उस बंदे का नाम आए, उसकी फोटो आए यहाँ पे हेडर के अंदर, ठीक है ये काम करना है, मतलब जो बंदा लॉगिन करेगा उसका नाम उसकी फोटो आनी चाहिए, ठीक है ये काम करना है, तो आ जाओ ऑथ पे आ जाओ, तो हमें उसका डेटा ऑथ से मिलेगा ना, ऑथ पे आ जाओ, सबसे ऊपर जो लाइन नंबर 2 पे लिखो कॉन्स्टेंट यूजर मॉडल, कॉन्स्टेंट यूजर लाइन नंबर 2 पे लिख लो, लाइन नंबर 2 से यूजर मॉडल रिक्वायर करना पड़ेगा मॉडल अपन को, यूजर मॉडल, यूजर मॉडल वारा इक्वल रिक्वायर, रिक्वायर फंक्शन का साइन सिंगल कोट में डॉट डॉट स्लैश, वो आ गया मॉडल्स आ गया, मॉडल स्लैश स्लैश लगाओ, स्लैश और
मॉडल्स के बाद, अरे मॉडल्स के बाद ही लगाओगे स्लैश, कॉपी पेस्ट की मुझे आदत होती है। वो अपने पास जाएगा यूजर, वो आ गया यूजर, यूजर लो, वहाँ ले लो बस। अब थोड़ा एंटर दे दो से लाइन नंबर टू से ना, चलो क्योंकि मैं डेटा तो यहीं से उठाना ना, डायनेमिक डेटा डायनेमिक करना वो लेना पड़ेगा ना। अब लिखो इसी के नीचे लाइन नंबर 13 के नीचे लिखो, क्योंकि जो बंदा लॉग इन कर रहा है उसी का डेटा मुझे चाहिए होगा ना, तो यहाँ सब कुछ वेरीफाई हो गया, टोकन होगा नहीं से डेटा निकाल लेंगे उसका। लिखो कॉन्स्टेंट डेटा, कॉन्स्टेंट डेटा इक्वल इक्वल अवेट अवेट स्पेस देके यूजर मॉडल ऊपर लिखा है अपने, वही देखो सेम ऊपर लिखा हुआ है यूजर मॉडल जा रहा है, वो निकल गया अपने आप आ गया था। यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन, फाइंड वन फंक्शन का साइन, फंक्शन का साइन लगाओ, कर्ली ब्रैकेट लगाओ। फाइंड वन क्यों लगाया कि हमें एक ही रिकॉर्ड निकालना है, कर्ली ब्रैकेट लगाओ उसके अंदर। अब इसमें लिखो क्या था, अंडरस्कोर आईडी कोलन अंडरस्कोर आईडी जो उसके अंदर होगा ना मॉडल के अंदर, अंडरस्कोर आईडी माइनस आईडी लिखती है ना, माइनस आईडी ऐसे लिखा जाता है अंडरस्कोर आईडी। आवाज आ रही मेरी, करो और देखो डेटा आउट क्या आया कि नहीं आया। अरे बच्चे बहुत कम दिख रहे बैच में यार, 1 2 3 बस, बाकी बच्चे गए कहाँ सारे बैच के। लॉग करो, क्यों एरर क्यों दे गया जी, जाके देखो सर्वर, जाके देखो सर्वर चेक करो, सर्वर चेक करो सर्वर, जो एरर कुछ दे गया वो तुमने क्या लिख दिया है, वेरीफाई अरे सर्वर में एरर तो पढ़ लो, एरर क्या दी है इसमें, पूरा लिखना है पूरा लिखो, रुको और लिखना है वेरीफाइड टोकन के बाद और लिखो डॉट लिखो और लिखना है वेरीफाई और लिखो वेरीफाइड टोकन वाले को टोकन वाले को डॉट डॉट लगाओ डॉट आई डी आई ओ डी कैपिटल आई ओ डी कैपिटल, अपन आई डी कैपिटल लिया था ना। अब चेक करो अब चेक करो, अब जाके लॉग इन करो फिर से लॉग इन करो। अब जाके देखो कंसोल में डॉट क्या आ गया होगा, कंसोल में बोला है भाई, कंसोल में मैंने कंसोल में कंसोल में इसके कंसोल में नहीं टर्मिनल में जाके देखो, टर्मिनल में तो कंसोल किया था, टर्मिनल में जाके करो डेट आउट क्या आ गया, डेट आउट क्या आ गया जी, जो बंदा लॉग इन कर रहा है उसका डेट आउट क्या आ गया सब देखो। अब इसको अपन शो करा लेंगे आगे चल के, अगली क्लास में कराएंगे, बच्चे बहुत कम है सब छूट जाएगा उनका पूरा दिन, इतना नोट कर लो सब लोग, और इतने में लग रहा है कोई काम ही नहीं कर रहा है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है।